15 जुलाई बुधवार को विश्व युवा कौशल दिवस पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से रन फॉर स्किल रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आईटीआई के अनुदेशक जितेंद्र ने बताया कि रन फॉर स्किल रैली के आयोजन से पूर्व पोस्टर्स, निबंध और चार्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जुलाई को घोषित रन फॉर स्किल के दौरान उद्घोषणा वाली डीवीडी का प्रसारण भी किया गया। माखुपुरा स्थित आईटीआई से डीएवी शताब्दी स्कूल तक निकाली गई रन फॉर स्किल रैली में छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां ले जागरूकता फैलाते हुए चल रहे थे। साथ में नोडल अधिकारी, आईटीआई के प्राचार्य और अन्य व्याख्याता भी शामिल थे। विश्व कौशल दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है आईटीआई परिसर अजमेर में, और इसका उद्देश्य है युवाओं में रोजगार के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए और स्किल का किस प्रकार से विकास किया जाए और किस प्रकार स्किल्ड उनमें डेवलप की जाए। इसी तरह सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के आदेशानुसार बुधवार को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ कुमार बोहरा के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में व्यावसायिक अनुदेशक सोनिया, साक्षी कौशिक और प्रभारी कामिनी अग्रवाल ने सहयोग प्रदान किया। प्रधानाचार्य अंशु बंसल ने बताया कि रैली के बाद चार्ट और डेमो प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के आदेश के अनुपालना में आज विश्व युवा कौशल दिवस आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 के लिए जारी की गई थी, उन्हीं छात्राओं के द्वारा यहाँ पर 2 टेड प्रारंभ हो चुके हैं व्यावसायिक शिक्षा के तहत, हेल्थ केयर एंड आईटी। तो उन्हीं वोकेशनल की एजुकेशन की छात्राओं के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में आज युवाओं को जागरूक करने हेतु कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है विद्यालय में। आज वोकेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत हेल्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज स्किल डे मनाया जा रहा है। उसके अंदर बालिकाओं को एक या बच्चों को स्किल्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किस तरह हो, वो अपने आप में निर्भर कैसे हो सके, छोटी छोटी चीज़ों को हम बच्चों के अंदर कैसे जागरूक कर सकें।